तो अभी रात के 10:30 बज रहे हैं और कल सुबह हम द्वारका जाने के लिए निकलने वाले। जो भी प्लेस पे रुकेंगे वो प्लेस में आपको दिखाऊंगा। तो चलो कल सुबह क्या सीन होता है मैं दिखाता हूँ आपको। तो अभी बज रहे सुबह के 5:30 और हम द्वारका जाने के लिए निकल गए। तो हम जहाँ रुकेंगे वहाँ मैं आपको दिखाऊंगा और मिलते हैं आगे। अहमदाबाद से द्वारका जाने के लिए आज हम 450 किलोमीटर का सफ़र तय करने वाले हैं। 170 किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद हम चोटिला दर्शन करने के लिए रुके हैं। तो अभी हम चोटिला पहुंच चुके हैं और यहाँ पे बहुत भीड़ है, तो ऊपर नहीं गए, नीचे से दर्शन करके आगे द्वारका की ओर जा रहे हैं। तो चलिए आगे रास्ते में मिलता हूँ। वेरी गुड मॉर्निंग गाइस। तो अभी बज रहे सुबह के 8 और आज हमारा द्वारका में दूसरा दिन है। कल शाम को हम आ गए थे और द्वारकाधीश के दर्शन किए थे, पर कल शाम को वीडियो क्वालिटी अच्छी नहीं थी, इसलिए आज दूसरी बार हम जाएंगे मंदिर पर। और ये रहा वो द्वारकाधीश का मंदिर है, तो चलिए द्वारकाधीश के मंदिर पे आपको ले चलता हूँ। ये गोमती नदी है, कल रात इसका सारा पानी चला गया था और आज फिर से भर गई है। देखो ये रहा द्वारकाधीश का मंदिर और यहाँ पे जाने के 2 रास्ते, एक रास्ता इस तरफ से और एक रास्ता इस तरफ से। ये सब प्रसाद काउंटर है और यहाँ पे जूते चप्पल रखने की व्यवस्था है। यहाँ पे मोबाइल अंदर अलाउड नहीं, इसलिए मैं आपको अंदर की फुटेज नहीं दिखा पाऊंगा। ये रहा सुदामा सेतु, अभी हम अंदर नहीं जाएंगे क्योंकि बहुत भीड़ होने के कारण एक दिन के लिए सुदामा सेतु बंद किया हुआ है। तो अभी हम मंदिर में दर्शन करके आ गए और बहुत ही भीड़ थी, पर हमने तो 2 बार दर्शन किए, एक बार कल रात को किए थे और एक बार अभी किए। अभी हम गोमती किनारे आ गए, देखो यहाँ का। द्वारका में हम होटल रॉयल इन में रहे थे, इसकी प्राइस और डिटेल्स सब मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये मंदिर रुक्मणी जी का मंदिर है, ये मंदिर द्वारकाधीश के मंदिर से 1 किलोमीटर की दूरी पर है। अगर आप द्वारकाधीश मंदिर पे आते हो तो इस मंदिर पे दर्शन करना जरूरी है।
वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना, और मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया तो कर देना। जय हिंद और वंदे मातरम।